इसलिए क्योंकि जो भी कोई वस्तु सामने विषय रूप में प्रतिदिन होता है उसको पारमार्थिक जन्म होना संभव नहीं है। आपको विज्ञान भी ऐसा प्रतिदिन हो रहा है घट ज्ञान पट ज्ञान रूप में, उसका भी जन्म होना संभव नहीं। हेतु दिया चित्त दृश्यम ना जायते, चित्त के द्वारा देखा जाता है इस वस्तु की उसकी उत्पत्ति नहीं होती। फिर भी जिसकी देखना संभव नहीं है उसके भी यदि कोई व्यक्ति देखने का प्रतिज्ञा करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं, वो आकाश की आकाश में चिन्हों की चिन्हों को देखते हैं, ऐसे कथन होगा उनका। देखिए यहाँ तक कल हम लोग ने पढ़ लिए थे, टीका चल रहा था ना, भाष्य तो कर लिए थे टीका में, देखिए 230 पेज में फर्स्ट लाइन में देखिए भूत दर्शन। उन लोगों ने बोले थे कि जो है युक्ति दर्शन, वेदांती क्या बोले थे भूत दर्शन, मतलब यथार्थ शास्त्र से देखने पर तो सारा मिथ्या होता है। इसलिए भूत दर्शन घटादि मृदादि मात्र भूतम वस्तु तत्व, घट क्या है मृत्यु का मात्र ही है,
मृत्तिका का एक संस्थान विशेष को घट बोलते हैं, इसलिए घट मृत्तिका छोड़कर कुछ भी नहीं है। इसलिए मृदादि मात्र भूतम वस्तु तत्तम और फिर तस्यापि हुए घट विज्ञप्ति मात्र तत्तम, वो भी घट ज्ञान, मतलब ज्ञान है तभी घट को आप दिखाई देगा जानते हैं, ज्ञान नहीं है तो घट को समझ में नहीं आएगा। तस्यापि सात नंबर टिप्पणी पढ़ लिए थे कल हम लोगों ने, तस्यापि विज्ञप्ति मात्र तत्तम विज्ञान व्यतिरेक तस्यापि अनुपलभ्या, ज्ञान के बिना घट का भी उपलब्धि नहीं होता, इसलिए ज्ञान ही मात्र है ऐसा तत्तम। तस् शास्त्र दर्शन देते जब शास्त्र दृष्टि से हम देखते हैं तो ऐसा ही दिखाई देता है, क्योंकि शास्त्र क्या बोला, मृत्तिका इत्येव सत्य, तो मूल कारण ही सत्य है, बाकी जिसकी भी उत्पत्ति हुई वो व्यभिचारी है, वो प्रतिभाषिक है, पारमार्थिक नहीं है, इसलिए शास्त्र ब्रह्म इदम सर्वमित्ता शास्त्रात् आह शास्त्र ब्रह्म इदम सर्व पुरुष एवं विषमात्मा वेदम सर्व कितना बात का मिलता है इसका। अच्छा अब इसके आगे द्वितीय पात क्या है, विचित्र दृश्यम न जायते, ठीक है ना, क्योंकि हेतु है द्वितीय पादम दृष्टान्तत्वेन विभजते, दृष्टान्त के रूप से हमने कहा था चित्त के तरह जो होता देखा जाता है वो परमात्मिक उत्पन्न नहीं होता। द्वितीय पादम पौ में आकार की मात्रा चाहिए, पदम लिखा हुआ है ना, द्वितीय पदम, द्वितीय पदम द्वितीय पादम दृष्टान्तत्वेन विभजते, दृष्टान्त के रूप से विभाजन करते हैं, क्या बोलते हैं वहां पे, यथा चित्त दृश्यम न जायते, जैसे चित्त के द्वारा देखा गया वस्तु की पारमार्थिक उत्पत्ति नहीं है, वो विज्ञान का ही प्रतिभास मात्र है, चित्त दृष्टम न जायते, अतः तस्य चित्तस्य ये जाति पश्यन्ति विज्ञानवादिना क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्व अनात्मत्व आदि च, उस केवल विज्ञान को देखते ये बात नहीं है, उसमें इतना धर्म भी देखते हैं, वो क्षणिक भी है, वो दुखित्व धर्म भी है, फिर कोई शून्यत्व बोलते हैं, अनात्म बोलते हैं, इस प्रकार से जो बोलते हैं क्या होता है, तेनैव चित्तेन चित्त स्वरूपं द्रष्टुम अशक्यम, जिस मतलब कर्ता अपने को नहीं विषय बना सकता, जिस चित्त को आप देख रहे हो वही चित्त 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 को देख रहे हैं, विज्ञानी विज्ञान को देख रहे हैं, जो होना संभव नहीं है, इसलिए तेनैव चित्तेन उसी चित्त के द्वारा क्षणिक है चित्त स्वरूपं द्रष्टुम, जो चित्त के स्वरूप को देखना जाना संभव नहीं है, इस प्रकार देखने वाला लोग पश्चिम देख रहे क्या देखते हैं, खेल पक्षादीना पदम पश्यन्ति, आकाश में चक्षु का चिड़ियों की पद चिन्ह को देखते हैं, मतलब जो देखना संभव नहीं है। यहाँ पे देखिए उसको लिख रहे हैं विमतम विज्ञान जन्म न तात्विकम है ना, दृश्यत्वात् घटपटादिवत निरूपितादिवत इति अर्थ, ठीक है, देख सर है यहाँ पे अनुमान कोई कठिन नहीं है, विवादास्पद जो विज्ञान की जन्म आपके पक्ष हो गया, विज्ञान की जन्म लेकर के विवाद चल रहा है कि वृद्धि नहीं हुई, एक बार जो बोलते हैं ना पारमार्थिक जन्म होता है उसका वेदांत हो तो उसका भी जन्म नहीं होता, पारमार्थिक जो वस्तु का उसका जन्म होना संभव ही नहीं है, क्योंकि जिसका जन्म है वो मरेगा तो पारमार्थिक कैसे होगा, जिसको तुम पारमार्थिक बोल रहे हो आप बोल रहे हो तो पैदा भी हुआ, ये तो हमारा व्याघात दोष है, बोले तो व्याघात दोष हो जाता है, तो बोलते हैं यहाँ पे विमतम विज्ञान जन्म जन्म लेटर जन्म 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 नहीं जन्मानी, इस प्रकार विमतम जन्म न तात्विक, वो तात्विक जन्म नहीं है, क्यों, मैं हरिमनंद जी को एक महात्मा नए आए हुए थे, जो गंगा तट के रास्ते में चल रहे थे, तो ऐसे बोला कि हरिमनंद जी की उम्र कितना हुआ, पूछा हरिमनंद जी ने बोला यार बोलते कि आप तो देखने में ऐसा नहीं लगते हैं, वो तो बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जो दिखाई दे तो मिथ्या ही होता है, हमारा ये अनुमान है ये विमतम दृश्य विशेषत्व खटपटाधिव विमतम विज्ञान जन्म नृश्यवाद विज्ञान जिसके जन्म है कि नहीं है, जो विवाद चल रहा है वो जो है तात्विक जन्म नहीं हो सकता, प्रतीति मात्र है, प्रतिभास मात्र है, क्यों, दिखाई देने के कारण, जैसे नेत्र नील पीता आदि बात, जैसे नीला रंग काला रंग पीला रंग घट पट मट कुछ भी आपको दिखाई देता है, इसके इसके तो सामान्य विमतम विज्ञान जन्म ये हो गया पक्ष, न तात्विकम ये हो गया शब्द दृश्य तत्व हो गया हेतु, नील पीता आदि घट पट आदि हो गया दृष्टांत, ठीक है ना, एक पक्ष एक शब्द
हेतु आए दृष्टांत, यही जो अनुमान के पड़ गए होते हैं। आप देखिए दृष्टांत तो में आपको कि तात्विकत्व नहीं है, दृश्यत्व वो भी दृष्टांत का नील पिता हेतु भी बैठा हुआ है, श्राद्ध भी बैठा हुआ है। नील पिता आपको दिखाई देता है तो राम दिखाई देता है, अभी नीला दिखाई दे रहा है थोड़ी देर बाद कलर फेड हो जाएगा, इसीलिए वो जो है पारमार्थिक नहीं है नात्विक। इसलिए नील पिता के दृष्टांत में हेतु और श्राद्ध दोनों बैठा हुआ है, हेतु हो गया दृश्यत्व तो नील पिता को देखते हैं, और तात्विकत्व नहीं है। कुछ देर के लिए किया चलो, पहले भी नीला नहीं था, कुछ देर के लिए हुआ फिर घट जाएगा। तो दृष्टांत में हेतु और श्राद्ध दोनों बैठ गया, और विज्ञान जन्म विज्ञान के जन्म की प्रतीति होती है तो दृश्यत्व हेतु बैठा हुआ, इसलिए वो भी तात्विक नियम का साथ हो जाएगा। ये सिद्धांत अनुमान है, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो दोष आएगा तुम्हारे पक्ष में, विपक्ष दोषम आह, यदि ऐसा नहीं मानोगे तो तुम्हारे पक्ष में दोष आएगा। क्या दोष आएगा तो बोलते हैं अतः, तो बोलते हैं विपक्ष दोषम आह अतः इति, अतः कहाँ पे कि अतः इतरेभ्य अपि द्वैतेभ्य अत्यंत साहसिका इति अर्थ, ठीक है। इसलिए ये लोग अन्य द्वैतवादी जगत की उत्पत्ति तो मानते हैं परंतु वो नाशमान भी मानते हैं, परंतु विज्ञान को जो है पारमार्थिक सत मानते हैं, फिर इसका उत्पत्ति भी मानते हैं। अतः इतरे व्यापी दैत्य अत्यंत साहसिक अन्य द्वैतवादी की तुलना से ये अधिक से हिम्मत रखने वाले हैं। अतः शब्द का जो है टीका टिप्पणी का लिखा, अतः दर्शन अनर्ह दृष्टित्व अभिमानित्वा, जो देखने जो को वस्तु नहीं है उसको भी देखने का अभिमान करते हैं, इसलिए जो है वो दृष्टि से भी जो देखने जो को वस्तु नहीं है उसको भी देखने का अभिमान करते हैं। लोग कहते हैं कई बार पूछते हैं अपने भगवान को देखा आप क्या उत्तर देंगे, शास्त्र के अनुसार यदि भगवान इंद्रिय गम्य वस्तु होते तो देखते, हाँ भगवान के कोई नाम और रूप का कहते हो वो तो हर एक नाम भी भगवान के है, भगवान के छोड़ के कुछ देखा जा सकता है क्या, भगवान को छोड़ कर कुछ भी नहीं देखा जा सकता है। वेदांत सिद्धांत को ठीक समझेंगे ना, जैसे इस समय आपको लग रहा है मैं तो घटपट को देख रहा हूँ, परंतु एक समय ऐसा रहेगा तो भगवान को ही देख रहा हूँ, भगवान को छोड़ कर कुछ भी नहीं दिखा दे सकता, ये सिद्धांत ये हमारे पारमार्थिक सिद्धांत यही है। तो अब जो देखा नहीं जा सकता है उसको आप इंद्रिय गम्य वस्तु बना दिए तो हमारा क्या हिम्मत अधिक हो जाएगा, इसलिए बोलते हैं कि दर्शन अनर्ह जो देखने जो को नहीं है, हम जिस भगवान को मानते हैं वो भगवान नाम रूप सत्य तत्व वेदांति नहीं मानते हैं, परंतु निर्विशेष निराकार निर्विशेष तत्व को सत्य है यह मानते हैं, परंतु वो इंद्रिय गम्य वस्तु नहीं है, इसीलिए बोलते हैं दर्शन अनहर जो देखने का जो को नहीं है दृष्टि तो उसको देखने का अभिमान करते हो, हाँ मैंने देख लिया यही हो गया तुम्हारी साहसिकता। अतः इतरेभ्य दैतेभ्य अत्यंत साहसिका उससे अधिक हिम्मत वाले हैं ऐसा कहना पड़ेगा। अतः प्रतीक इधर हो सकते ऊपर कहाँ ये जाते तस्य अतः तस्य चित्तस्य ये जाये जातिम पश्यन्ति विज्ञानवादिनः अतः तस्य चित्तस्य ये जातिम पश्यन्ति विज्ञानवादिनः बाद में प्रतीक न तेनैव बाद में आया था इतर अतः इतरे अच्छा हमने विपक्ष अतः ऊपर वाला अतः है हाँ जी जी हम नीचे वाला अतः में चलेगा ठीक है दो अतः है यहाँ पे अत ऊपर ही जाएगा यथा चित्त दृश्य न जायते अत चतुर्थ लेंगे यथा चित्त दृश्य न अत तस्य चित्तस्य ये जाति पश्यन्ति विज्ञानवादिन क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्वादि आत्मत्वा च ठीक है ना इस तत्व को ठीक है ना वहीं पे ये लगाया तो विमतम विज्ञान विपक्ष दोष न यदि नहीं मानोगे तुम्हारे पक्ष में क्या दोष हो जाएगा तस्य चित्तस्य ये जाति पश्यन्ति विज्ञानवादिन इसलिए वो चित्त जो पारमार्थिक उत्पत्ति है उसका भी जो उत्पत्ति होते देखते हैं और उसमें और क्या देखते हैं क्षणिकत्व दुखित्व अशून्यत्व अनात्मत्व ये सब जो देखते हैं तो क्या हो गया वो आप किस कैसे देखते हैं उसी चित्त को द्वारा देखते हैं तेने व चित्त अथा तत्त्वत विज्ञानस जन्म अजोगा जे तस्य तात्विकं जन्म पश्यन्ति ते पक्षादीनां खे अपि पदं पश्यन्ति इति अन्वयः ठीक है इसका स्पष्ट कर रहे हैं तत्त्वतः तात्विक पारमार्थिक दृष्टि से विज्ञानस्य जन्म अयोगा
आत्मा बोलो, विज्ञान बोलो, जो जन्म के योग्य नहीं है। अजो कहते हैं तो विज्ञान से जन्म अजोगा, तात्विक दृष्टि से विज्ञान का जन्म होना संभव नहीं होने के कारण ये तस्य तात्विकम जन्म पश्यन्ति, जो लोग इस विज्ञान की पारमार्थिक उत्पत्ति मानते हैं, सच्चाई इसमें उत्पत्ति मानते हैं, ये तस्य तात्विकम जन्म पश्यन्ति ते पक्षादीना खे अपि, वो लोग चिड़ियों का आकाश में भी पदम पश्यन्ति इति अर्थ। चिड़ियों का पद चिन्ह जमीन में देखा जा सकते हैं परंतु आकाश में नहीं देखा जा सकता। अभी पद्मा का ठीक है, यदि आप कहते हैं कि जमीन में देखते हैं तब तो हम मानते हैं, परंतु आकाश में भी देखना चाहते हो ये नहीं होगा संभव है। जो व्यक्ति खेते पक्षादीनाम पदम खे अपि आकाश में भी पश्यन्ति है ना, अथवा खे पक्षादीनाम पदम अभी पश्यन्ति, चक्षु पक्ष दोनों जगह अपि, मतलब पक्षी को भी देखते हैं पक्षी के पद चिन्ह को भी देखते हैं है ना। इस प्रकार से आप आकाश में भी मध्य को आप ही शब्दों का संस्कृत जानने से आपके से आप आराम से समझ सकते हैं, खेल के साथ अन्वय करके भी आप ही लगा सकते हैं। आकाश में भी मतलब जमीन में चलते समय पक्षी के पद चिन्ह आपको दिखाई दे सकते हैं, आकाश में नहीं दिखाई दे सकते ये करते सकते हैं। और पदम अपी मतलब चिड़ियों को भी देखते हैं, चिड़िया के पद चिन्ह को भी देखते हैं, ये देव देखना संभव, चिड़िया देखना तो संभव है पर पद चिन्ह देखना संभव नहीं है है ना, इसलिए बोलते हैं। वही शब्द का मतलब अभी कहाँ मूल में खे वही पश्यन्ति, खे वही ते पश्यन्ति पे वही मतलब निश्चित ही ऐसा होता है, वही तो अवधारण अर्थ में आता है। ते पश्यन्ति ये खे वही ते पश्यन्ति ते पदम, आप यदि आप उसको वही शब्द का अर्थ तो अभी भी लेंगे तो कब है, तो एक असुविधा नहीं है ना, मतलब निश्चित ही वो लोग ऐसा ही देखते हैं। मूल में जो वही है उसका अर्थ भी जब आप ही लेंगे तो भी कोई असुविधा नहीं है। सामान्य रूप से वही अर्थ अवधारण अर्थ में आता है, अवधारण अर्थ में आता है निश्चित ही वो जो देखना संभव नहीं है ऐसा वस्तु को देखता है, ये कहना चाहते हैं जो देखना संभव नहीं है ऐसा ही वस्तु को देखने का प्रतिज्ञा करते हैं। पश्यन्ति इति अन्वय फिर टीका में अनात्मत्वादि वहाँ पे क्या लिखा, क्षणिकत्व दुखित्व सुन्नत्व अनात्मत्वादि च, वहाँ पे जो अनात्मत्वादी ये रखा हुआ है उस आदि से क्या लेंगे, उस आदि से क्या लेंगे, जब तक अनात्मत्व आदि इति आदि शब्देन अन्योन्य विलक्षणत्वम अन्योन्य सादृश्यत्वम च गृह्यते। मतलब क्या, जैसे घट ज्ञान का धारा चलता है तो सादृश्य ज्ञान उत्पन्न होगा और फिर घट से पट में बदल गया तो क्या हो जाएगा, विलक्षण ये उत्पन्न विज्ञान उत्पन्न होगा, ठीक है ना। मन में एक घट ज्ञान की धारा चल रहा है, मन विज्ञान की वृत्ति चल रहे हैं, एक आलय विज्ञान एक प्रवृत्ति विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान बदलता रहता है, घट 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 करते करते फिर अचानक पट में बदल जाता है, इसलिए बोल रहे हैं अनात्मत्वादि। कहाँ पे ये शब्द क्षणिकत्व दुखित्व शून्यत्व अनात्मत्वादि, वहाँ पे जो आदि पर आया हुआ है वो आदि शब्द के द्वारा अन्योन्य विलक्षणत्व मतलब एक जो है क्या विज्ञान से एक विज्ञान के जन्म से दूसरा विज्ञान विलक्षण है ये भी कहते हैं और अन्य सादृश्य हम चक्रिय और उसका समान भी उत्पन्न होता है, दोनों प्रकार से ग्रहण करते हैं, ये सभी जो है होना संभव नहीं है ये बोला जाता है। तत्र हेतु सूचयति, क्यों होना संभव नहीं है उसके पीछे हेतु देते हैं, क्या हेतु है, कर्ता कभी कर्म नहीं बन सकता है, आप अपने आप अपने कंधे को ऊपर चढ़ के नाच नहीं सकते हैं, आप अपने आप अपने को देख नहीं सकते, महाराज हमें तो लोग अपना शरीर दिखाई देते हैं वही तो नहीं, मतलब शरीर को देखने वाला आंख होता है, शरीर आंख एक नहीं है, शरीर स्थूल है ना भौतिक है और आंख इंद्रिय वो जो है तन्मात्र से बने हुए है, ठीक है इंद्रिय गोलक जो शरीर का अंतपाती होते हैं, मतलब इंद्रिय गोलक पर बैठ कर इंद्र काम करते हैं, ये भिन्न है आपसे देखने वाला जो भिन्न होता है, इसलिए हेतु दे रहा है वो ये क्यों वो गलत बोल रहा है, क्योंकि आप बोला विज्ञान ही विज्ञान को जानता है, विज्ञान ही विज्ञान को जानता है, जिसमें तेने ही वो चित्त ना चेने वो चित्त उसी विज्ञान के द्वारा ही उसी चित्त स्वरूपम दृष्टु अशक कौ चित्त के स्वरूप, उस विज्ञान के द्वारा जिसके द्वारा चित्त के स्वरूप को देखना संभव नहीं है उसको देखते हुए पश्यंत क्या करता है वो कि ते पक्षादीना पदम खे पश्यन्ति, और चिड़ियों का पदचिन्ह को आकाश में देखते हैं, ते नहीं पांच नंबर टिप्पणी
जन्म है कि नहीं है जिस चित्त को लेकर के विवाद चल रहा है उसी चित्त के द्वारा चित्त को देखता है। निश्चय दोस्त ने दे दिया पहले, दूसरा बोल रहे हैं कि पहला दोष क्या दिया था तुम्हारे सिद्धांत कौन सा, दूसरा बोल रहे हैं कि तुम विज्ञान के द्वारा ही विज्ञान को देखते हो, विज्ञान के द्वारा विज्ञान को देखना भी संभव नहीं है, कर्म करता तो वो कर्म करते दोष होता है। इसलिए बोलते हैं कि तत्र हेतु शोचयति तेनैव तत्र, मतलब नौ नंबर टिप्पणी देखो, नौ नंबर तत्र मतलब जन्म अभावे, जन्म होना संभव नहीं है। इस विषय में एक हेतु को और दे दिया, क्या हेतु दिया वहाँ पे कि जो है तेनैव चित्तेन चित्त स्वरूपं द्रष्टुं अशक्नो, माने जिस चित्त और क्या उनके पक्ष में और क्या दोष है, जिस घट ज्ञान उत्पन्न होगा वो घट ज्ञान अपने घट ज्ञान को दूसरे उत्पन्न करेगा और उस घट ज्ञान का स्वरूप को भी जानेगा, एक क्षण में कहाँ तक ये होना संभव है, ये सब जो है सिद्धांत पर नहीं है, ये होना संभव नहीं है। फिर भी आप बोलता हूँ उसको देखते हैं, आप कब देखोगे, कोई वस्तु उत्पन्न है तब ना देखोगे, उत्पत्ति नहीं उत्पन्न उस समय कौन देखेगा, कैसे समझ पाएगा, ये कई दोष है उनके पक्ष में। इसलिए बोलते हैं तत्र हेतु शुद्धि नहीं, आगे देखिए उसको लिखा रहे क्यों होना संभव, सवृत्ति अनुपपत्ति, अपने में अपने का वृत्ति होना युक्ति संगत नहीं होने के कारण, स्ववृत्ति, स्व मतलब अपने का वृत्ति मतलब अपने को देखना, अनुपपत्ति युक्ति संगत नहीं होने के कारण, स्ववृत्ति अनुपपत्ति तद दृश्यता अंतरेण च तद धर्म दृश्यता असंभवाद इति अर्थ, और क्या उसके देखे बिना उसके अंदर क्या धर्म है इसको भी आप निर्णय नहीं कर सकते हो। दो दोष है, एक दोष क्या है, अपने में अपना वृत्ति बनता नहीं है, तुम्हारी बात मान भी ले पर तुमने उसको क्षणिक माना, जब वो स्थिर नहीं है उसके अंदर क्या धर्म है कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा। इसलिए बोलता है स्ववृत्ति अनुपपत्ति एक हेतु, तद दृश्यता अंतरेण च और उसको देखे बिना तद धर्म दृश्यता असंभव, उसके अंदर क्या धर्म है वो देखना संभव नहीं है, इस कारण से तुम्हारे सिद्धांत तो सही नहीं है। दस नंबर टिप्पणी में देखिए बोला स्ववृत्ति अनुपपत्ति है, अपने में अपने का वृत्ति बनाना युक्ति संगत नहीं होने के कारण, तो क्यों बोलते हैं स्वकर्तिक स्वकर्मक दर्शनस्य, जो अपने आप करता है अपने आप कर्म भी है, स्ववृत्ति बोलते हैं स्वकर्तिक स्वकर्मक दर्शनस्य कर्ति कर्म विरोधेन अनुपपद्य मानत्वात्, ठीक है ना, ये पूरे सभी वादी का ये मान रहे थे, सभी वादी नहीं मान, इस विषय का विरोध नहीं, विरोध नहीं है, मैं अपने आप ही करता होते हुए मैं अपने आप ही अपने कंधे को ऊपर चढ़ के नाच जाऊंगा ये होना संभव नहीं है। भगवान बोलते हैं कितने भी मतलब दक्ष नटी हो उसको कोई कहे अपने कंधे को ऊपर चढ़ के नाच के दिखाओ होना संभव नहीं, आपके कंधे को ऊपर तो चढ़ के नाच सकते हैं, अपने कर्मजे को बोलते हैं स्वकर्तिक स्वकर्म का दर्शन है, अपने अपने ही करता है अपने ही कर्म, इस प्रकार का जो दर्शन है उसमें क्या होता है कर्तिक कर्म विरोध है ना, वहाँ पे कर्तिक कर्म विरोध होता है, मतलब कर्ता एक ही साथ कर्ता भी रहे कर्म भी बन जाए ये होना संभव नहीं है, कर्म मतलब विषय है ना, इसलिए बोलते कर्म विरोध है ना अनुपबद्ध मानवता युक्ति संगत नहीं होने के कारण अनुपबद्ध मानवता, ये हो गया स्ववृत्ति अनुपबद्धि। दो मिस्टेक दिखा रहा है, हाँ। पहला है विज्ञान कभी विज्ञान को जान नहीं सकता, हाँ। दूसरा है कर्म कर्ता कभी कर्म नहीं हो सकता, नहीं यही विज्ञान कभी विज्ञान को नहीं जान सकता, क्यों नहीं जान सकता, क्योंकि विज्ञान जानने वाला है विज्ञान को जान रहा है, ये कर्म करते दोष हो गया। और दूसरा दोष क्या बोलते हैं कि उसके अंदर क्या गुण है, जब तक वो स्थिर नहीं है तो कैसे जानोगे, लोचनिक है किसी वस्तु के अंदर क्या गुण है क्या दोष है जानने के लिए आपको उस वस्तु की बिंदु मानो तो चाहिए सामने, नहीं तो कैसे परि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 प
वसी देखे बोलते हैं कि तद दृश्यतम अंतरेण, उसको ठीक से देखे बिना उसके अंदर दृश्यत्व धर्म जब तक नहीं रहेगा तब धर्म दृश्यत्व संभव, उसके अंदर क्या धर्म है वो देखना संभव नहीं होने के कारण ये दूसरा दोष है तुम्हारा। क्योंकि तुमने वहाँ पे क्या देखा, क्षणिकत्व देखा, दुखित्व देखा, शून्यत्व देखा, अनात्मत्व कहाँ से देखा तुमने, कैसे कैसे करोगे। इसलिए हमारे कोई आपको कहें कि वेदांत जगत को मिथ्या बोलते हैं, आपकी जगत से व्यापार करता रहता है, बोलते बिल्कुल यही तभी पता लगता है कि जगत मिथ्या है। कोई वस्तु बाजार से आपने कोई चीज खरीद के लाया,
वो वस्तु अच्छा है कि ठीक है कब पता रहेगा, जब आप उसके साथ व्यवहार करोगे, कमरे में बना के खाओगे तो कमरे में, तब पता रहेगा कि खराब है कि अच्छा है। ठीक इसी प्रकार से जगत रहने से हमारे मित्रत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हमें बोलते हैं कि दृश्यता अंतरण चतर धर्म दृश्यता संभवा दी थी अर्थ इसका विपरीत अर्थ फिर टीका में विज्ञानवादी फलितम विशेषम दर्शयती। इस प्रकार सिद्धांत को मानने वाले के पक्ष में मतलब विज्ञानवाद मतलब इस प्रकार सिद्धांत को मतलब विज्ञान विज्ञान को जानते हैं इस प्रकार सिद्धांत को मानने वाले के पक्ष में ऐसे रिजल्ट क्या विशेषता आएगा, फलितम विशेषम दर्शयती रिजल्ट के रूप में क्या विशेषता आएगा उसको दिखाते हैं पर ग्रंथकार। अतः इसलिए क्या होगा इतरे फिर अभी दैत्यंत साहसिक अर्थ वो लोग अधिक हिम्मत वाले हैं। अन्यन्यवादी तो भेद नहीं ने भेद देख रहा था और यहाँ पे भेद देखना भेदी भेद को देखते हैं, भेदी भेद को देखते हमारे यहाँ पे आत्मा आत्मा को नहीं देखता, आत्मा का कभी भी आपका विषय आत्मा ज्ञान नहीं होगा। ये अधिक हिम्मत वाले इसलिए बोलते विज्ञानवादी फलितम विशेषण दर्शयति। 11 नंबर टिप्पणी फलितम विशेषण वैशेषिकादि अपेक्षा वैलक्षण नए वैशेषिक दर्शन वाले ने भी असत्य उत्पत्ति माना, मतलब वो लोग ये नहीं कहा कि जो देखना संभव नहीं है उसको भी मैं देख लिया ऐसा तो नहीं कहा। जो कर्म करते दोष को लोग मानते हैं पर तुम वो नहीं मान रहे हो, यही तुम्हारे जो है विलक्षण तुम्हारे सिद्धांत में यही सबसे अधिक कमी है। तो विज्ञानवादी फलितम विशेषम दर्शयति तत्र मतलब क्या फलित विषय मतलब वैशेषिकादि अपेक्षा वैलक्षण नए वैशेषिकादि युद्धों को बोलते हैं क्या बोलते हैं वैनाशिक मतलब सब चीज नाश मानते हैं ना सब नाश हो जाए उत्पत्ति वैनाशिक बोलते हैं और नए वैशेषिक बोलते हैं अर्ध वैनाशिक अर्ध वैनाशिक मानते हैं वो। इसलिए बोलते हैं कि वैशेषिक आदि अपेक्षा वैलक्षण इति। अच्छा फिर टीका में आ जाओ शून्यवादिनम प्रति विशेषम कथयति है ना, इसी को आश्रय करके शून्यवादी के प्रति भी जो क्या कथन करना है वो भी कह देते हैं शून्यवादिनम प्रति विशेषम कथयति। 12 नंबर टिप्पणी शून्यवादिनम प्रति वैनाशिक मतलब जो वेद को नहीं मानते वैनाशिक मतलब बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट है वैनाशिक मतलब सबका नाश मानते हैं ना सब सब कुछ एक क्षण क्षण में नाश हो रहा है और वो ये लोग आत्मा को अर्थ वैनाशिक क्यों बोलते हैं, ये लोग आत्मा को द्रव्य माना इस प्रकार द्रव्य के जैसे नाश होता है ऐसे भी नाश मान हो जाएगा अर्थ वैनाशिक इसलिए बोला क्षण क्षण में नाश नहीं होता ना द्रव्य नाशवान द्रव्य है आत्मा का द्रव्य माना अभी नाशवान होगा जैसे आकाश वो कैसे माना आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी ऐसा करके माना आकाश की उत्पत्ति नहीं मानते नित्य मानते परमाणु रूप में नित्य मानते हैं। इस प्रकार से थोड़ा सिद्धांत में भिन्नता होते हुए वो अर्थ वैनाशिक बोलते हैं। अब शून्यवादिनम प्रति विशेषम कथयति 12 नंबर टिप्पणी शून्यवादिनी विज्ञानवादी अपेक्षा वैलक्षण शून्यवाद में विज्ञानवादी किसे अपेक्षा से क्या भिन्नता है, शून्यवाद में विज्ञानवाद की अपेक्षा से क्या भिन्नता है उसको दिखा रहे हैं। एक कभी और आगे बढ़ गए ना वो इसलिए बोलते हैं शून्यवादी ने मतलब शून्यवाद के सिद्धांत में विज्ञानवादी अपेक्षा विज्ञानवादी की अपेक्षा से विलक्षणता क्या है वो दिखा रहे हैं। उससे संलक्षण भी है विलक्षण भी है इसलिए विलक्षण को क्या दिखा रहे हैं कि वहाँ पे कि शून्य जे अभी शून्यवादी न पश्यन्त एव सर्व और जो लोग शून्यवादी है ना उसको सारा दिखाई देते वे भी क्या कहते हैं कुछ भी नहीं दिखाई देता इतना झूठ बोलते थे। ये लोग तो किसी का दिखाई दे रहा है पर उत्पत्ति विनाश मान रहा है पर तो दिखाई है ही नहीं कुछ दिखाई देते भी बोलते कुछ नहीं है। ये भी शून्यवादी न पश्यन्त एव सर्व शून्यता देखते हुए भी हर चीज शून्य ही है सर में शून्यत्व ही बोलते हैं तो क्या हो जाएगा स्वदर्शन अभी शून्यता प्रति जान दे है ना। तो आपने आपने जब सही कुछ को शून्य बोल रहे हो तो आप जो देख रहे हो वो भी शून्य ही है मतलब आपका कथन सही नहीं हो गया शून्य यदि विकल्प वाले पक्ष से शून्य वाले पक्ष में एक अधिक और एक दोष नहीं मानो फिर से विज्ञानवादी और शून्यवादी में सटल डिफरेंस क्या है। सटल डिफरेंस यही है विज्ञानवादी विज्ञान को एक वस्तु मानते हैं बुद्धि को आत्मा मान लिया और ये शून्यवादी बोलते हैं ऐसा कोई वस्तु है ही नहीं सब शून्य ही है तो अच्छा दिखाई तो दे रहे हैं आपको जब आप सब बोल रहे हो सब सब किसको बोल रहे हो
सर्वम शून्यम, सर्वम शून्य, जब ऐसे शून्यम शून्यम ऐसा जब आप बोलते हो, इस सर्व शब्द का किसको कहते हो? इसलिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है, परंतु अथवा सर्वम शून्य चारों तरफ शून्य शून्य कोई बात नहीं, परंतु शून्य को देखने वाला कोई है कि नहीं? यानी कि जो देख रहे हो तुम, ये भी शून्य है। यदि तुम ये कहते कि नहीं नहीं चारों तरफ शून्य है, परंतु मैं दृष्टा शून्य को समझ रहा हूँ, परंतु तुमने सर्वम शून्य बोल करके अपना जो देखना उसको भी शून्य बोल दिया तुमने, है कि नहीं? मतलब हमारी दर्शन हमारे सिद्धांत जो हम वो भी शून्य ही है, मैं भी नहीं हूँ, उनका सिद्धांत है। एक क्षण में जान करके वो अपने आप जो है शून्य रूप है। शून्य रूप कहाँ से होगा भाई? शून्य रूप समझ जब समझते हैं तो समझने वाला है वहाँ पे, ये यहाँ का अभिप्राय है। पश्चन्ते व सर्वं शून्यतां, स्वदर्शनस्य अपि, अपने दर्शन का भी अपने शास्त्र का भी शून्यता ही प्रतिज्ञा करते हैं। हमारे सिद्धांत शून्य ऐसे ही वो कहना चाहते हैं। जब चरणों पर टिप्पणी पढ़ लिए थे करना स्वदर्शन स्वशास्त्र से अपने अपने शास्त्र को भी ऐसे सुनाते हैं। अच्छा देखिए यहाँ पे टीका का क्या बोलते हैं, पश्यन्त एव इति अविलुप्त दृक् रूपता दोत्यते। लेकिन भाष्यकार क्या लिखा वहाँ पे, जे अपि शून्यवादिन पश्यन्त एव सर्व शून्यता, ये बोला ना, देखते हुए भी हमारे पास विजयवाणक में क्या है, नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्, नहीं विज्ञातुर विज्ञाते विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्। कई जगह पे देखना सुनना बोलना सबका ये कभी विपरिलोप नहीं होता, क्योंकि वो तत्व अविनाशित है। नहीं दृष्टुर दृष्टि विपरिलोप विद्यते अविनाशित्वात्, दृष्टा की दृष्टि भी कभी विपरिलोप नहीं होता, क्योंकि दृष्टा की दृष्टि है वो अविनाशी है। परंतु ये भी बोला कि नहीं दृष्टि दृष्टारम्भस्य, दृष्टि का भी जो दृष्टा है उसको नहीं देखा जा सकता है, बृहदारण्यक उपनिषद में आए हुए। तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पे भगवान भाष्यकार पश्यन्त एव ये शब्द प्रयोग करके, मतलब देखते हुए भी, देखते हुए मतलब वो दृष्टा की दृष्टि का नाश नहीं है, इसको समझते हुए भी उसको शून्य बोलना है, है कि नहीं? पश्यन्त एव मतलब क्या है, हमें कुछ दिखाई देगा, जब कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसको कैसे नाम निश्चित करते हो? ये यहाँ पे बोलते हैं कि पश्यन्त एव, भाष्य में पश्यन्त एव इति इस शब्द के द्वारा अविलुप्त मतलब नहीं दृष्टि दृष्ट निश्चित है, नहीं दृष्टि दृष्टि विपरिलोप विद्यते, वो शब्द उसको होता है जिसकी दृष्टि का भी लोप नहीं होता, इस प्रकार की दृष्टि को अविलुप्त दृक् रूपता मतलब जिसकी दृष्टि की दृक् रूपता कभी नाश नहीं होता। जिस समय कुछ भी नहीं है आपको समझ में आ रहा है, उस समय भी दृष्टा की दृक् रूपता का नाश नहीं हुआ, तभी आपको समझ में आ रहा है। इसको दिखाते हुए भगवान भाष्यकार उस वाणी के मत को खंडन करते हुए बृहदारण्यक श्रुति वाक्य को माध्यम से खंडन कर रहे हैं। अपने सिद्धांत तो नहीं है, मतलब शास्त्र ने बोला ऐसा, इसे दिक् रूपता द्योत्यत उसको प्रकाशित करते हैं। क्यों? क्योंकि दृग् बलादेव सर्व अभाव सिद्धति, अरे उस दृष्टा के बल से तुम सबके अभाव सिद्ध होता है, देखने वाला कोई नहीं होता तो अभाव कैसे सिद्ध होगा? दृग् बलादेव, दृग् मतलब दृष्टा, दृग् बलादेव दृष्टा के बल से, वो जो दृष्टा जो सबका जिसकी दृष्टि का भी लाभ लोप नहीं होता, वो दृष्टा के बल से तुम सबका अभाव सिद्ध कर सकते हो, और उस दृष्टा को तुम अभाव बोल देते हो, अन्य वस्तु का अभाव कहाँ सिद्ध होगा? ठीक है ना, दृग् बलादेव सर्व अभाव सिद्धति हेतु है भगवान भाष्यकार इसलिए पश्चात इस पद के माध्यम से ये जो है कहना चाहते हैं। दृग् अभावस्तु कथम सिद्धे, इसलिए जिसके रहने के कारण सभी के अभाव समझ रहे हो, उसके अभाव किससे सिद्ध करोगे? उसके अभाव कैसे सिद्ध होगा? जिसके रहने के कारण, जिस प्रकार किसी व्यक्ति को हमने किसी कमरे में भेजा तो क्या देखा वहां पे, हमें ये कमरा तो पूरा खाली है, कुछ भी नहीं है वहां पे। अच्छा भाई, तो वो देखने वाला था कि नहीं? मतलब कमरा खाली है, उस कमरा खाली है उसको देखने वाला कोई था कि नहीं? हाँ, बोलना पड़ेगा आपको। तो एक चिन्मय नंद साहब बिल्कुल छोटे छोटे इसमें कानपुर में, हाथ में एक ग्लास रखा, क्या है? क्या बोलते हैं कि ग्लास है, और ग्लास को अब क्या है? कुछ नहीं है, बुद्धू हाथ नहीं है। ऐसे बुद्धू हाथ नहीं देते ना, तो अधिष्ठान रहेगा। हाँ, अधिष्ठान रहेगा। दिक् अभाव वस्तु कथम सिद्ध है, वो उसका अभाव कैसे सिद्ध कर सकते हो? यदि वो उसका ही अभाव सिद्ध हो जाए तो ये अभाव सिद्ध विश्व का अभाव सिद्ध नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं न च तावत् दृक् एव
तद अभाव साधय। दृष्टा स्वयं ही अपने अभाव को सिद्ध करेगा, ये तुम नहीं कह सकते हो, तब तो व्यक्त हो जाएगा। मैं कोई व्यक्ति नहीं कहता कि मैं नहीं हूँ, सभी व्यक्ति यही कहता कि मैं हूँ। ब्रह्म है और क्या, ब्रह्म तो निष्ठा है। सभी जो भी कुछ दिखाई दे रहा है ब्रह्म को ऊपर दिखाई देगा। सर्वम शब्द की तरह नाम रूपात्मक जगत, और नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान क्या, ब्रह्म। सर्वम खलु इदम सर्वम ब्रह्म एव, इदम सर्वम इदम मतलब वस्तु जो भी दिखाई पड़ रहा है ब्रह्म ही है वो। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं न ताव दृक् एव तत् अभाव। आप ये कहोगे कि दृष्टा स्वयं ही अपने अभाव सिद्ध कर देगा, तब तो व्याघात दोष हो जाएगा। मैं कोई व्यक्ति कहते हैं कि जी मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, कोई कहता है कि मेरा जीव हुआ नहीं है, और कोई कहता है कि मेरी माँ बंधा है, कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, हो ही नहीं सकता ये। इसलिए यहाँ पे जो है न तावत दृक् एव तद् अभाव साधय, दृष्ट स्वयं अपने अभाव को सिद्ध करते कि होना भी संभव नहीं है। तयर एक कालत्व अनुपत्ति इति अर्थ, जिस काल में वो दिखाई पड़ते हैं उस काल में ही उसका अभाव हो जाए ये होना संभव नहीं है। तयो मतलब वो जो दृष्टा और दृश्य है ना, दृष्टा दृश्य अतः उसका भाव और अभाव, भाव और अभाव, तयोर एक कालत्व अनुपत्ति इति अर्थ, उन दोनों का भाव और अभाव का एक समय एक जगह पर नहीं रह सकता, ये अभिप्राय है। तयोर हम कह लेंगे भाव अभाव ये हो, ठीक है, कहाँ किसका भाव, दृष्टा की भाव और अभाव, ठीक है ना। इसलिए जो है दृष्टा का जो सुनने वाले को लेकर के बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, दृष्टा का भी अभाव है, दृष्टा का भी अभाव को समझने वाला कौन है, कोई है, तो इसीलिए उसका भाव और उसका अभाव एक साथ सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए तयोर एक कालत्व अनुपत्ति रीति अर्थ, किंच सर्व शून्यतां वदन्तः शून्यता दर्शनस्य स्वात्म दर्शनस्य च शून्यतां वदन्ति। अब क्या बोला आपने, हर चीज शून्य है, पूरा सब शून्य, सर्वम शून्य, तो क्या हो गया आपका कथन भी शून्य ही है, आपका कथन का वैल्यूएशन क्या होगा, शून्य ही होगा। इसलिए बोलते हैं किंच और भी वन मोर मिस्टेक, सर्व शून्यतां वदन्तः, सारा शून्य ही है इस प्रकार बोलने वाले का शून्यता दर्शनस्य, तो आपने जो देखा शून्य है ना, जो आपने अनुभव किया शून्य है वो भी आपका शून्य ही होगा, उसका वैल्यूएशन क्या होगा, शून्य होगा, तुमने तो सब शून्य बोला। ये तो नहीं कहा सारा शून्य है केवल हमारे अनुभव के बिना, ये नहीं कहा, आपने कहा सब शून्य है, यानी कि आपका अनुभव भी शून्य है। किंच सर्व शून्यतां वदन्तः शून्यता दर्शनस्य स्वात्म दर्शनस्य च, जो शून्यता के दर्शन परंतु आपने कभी देख रही है शून्यतां वदन्तः, शून्यता का ही कहेगा, शून्यता के प्रतिवदन करेगा। बारह नंबर टिप्पणी में क्या बोल रहे हैं, ग्यारह नंबर, शून्यता दर्शनस्य शून्य शून्यता बोधक शास्त्रस्य, वो भी शून्य ही होगा, शून्यता बोध है। तुम जब सब शून्य बोल रहे हो तो तुम्हारा शास्त्र शून्य है कि उनका वैल्यूएशन है, सब शून्य बोलो तुम्हारा शास्त्र भी शून्य है, ये मतलब अब नो वैल्यू, इट्स अब नो यूज, ये कहना चाहता है यहाँ पे। तो शून्यता बोध का शास्त्र से कि दो नंबर स्वात्म दर्शन से शून्यम एव आत्मा इति ज्ञान से, है ना, अस्वात्म शून्य क्या देखा, आत्मा शून्य है, अरे भाई तुम हो तो मैं नहीं, तुम शून्य हो, स्वात्म आत्मा को भी शून्य माने जो आत्मदर्शन अपना का जो आत्मदर्शन हुआ वो भी शून्य ही है, वो भी आप यही आपका कथन हो जाएगा, आपका कथन का ये रिजल्ट निकलेगा, क्या हो जाएगा, आपका शास्त्र भी शून्य होगा और आपका आत्मा को भी शून्य होगा, ये आत्मा तो कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा आपका कथन का, ये अभिप्राय है। तथा च स्वपक्ष असिद्धि रीति अभी, इसलिए तुम्हारा पक्ष उनका भी सिद्ध ही नहीं कर पाए, तुम्हारा क्या बात, क्या पक्ष है, शास्त्रार्थ होने का बोलता शून्यवादी पक्ष है, तुम्हारे साथ शास्त्रार्थ भी नहीं करेंगे कि तुम्हारा तो कहने के लिए कुछ है ही नहीं, तुम तो शून्यवादी, तो किस पक्ष में भी करेंगे, तुम्हारा शास्त्रार्थ नहीं हो पाएगा। इसलिए तथा चाह स्वपक्ष असिद्धि इति अभिप्रेत उसका मन में रखते भगवान भाषा का है, स्वदर्शन से शून्यता प्रति जान दे तथापि सहसरा वो शून्य क्षणिक विज्ञान पाशा अधिक हिम्मत वाले हैं, क्षणिक विज्ञान वाली तो बैना मत हमारा न्याय व शशि कदम से अधिक हिम्मत वाले हुआ,
शून्यपति उससे अधिक हिम्मत वाले हो, अपने अस्तित्व को देखते हुए भी कहते हैं मैं नहीं हूँ, सब शून्य है। क्या कहना चाहते हैं? वो तो आकाश में चिड़ियों का पदचिन्ह देखना चाहते थे, और तुम तो आकाश को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो। जो बिल्कुल असंशय कम मुश्किल है, वो तो आकाश कम से कम ग्रहण करके कम मुश्किल अपनी दिग्विक शक्ति उसको ग्रहण करना चाहते हैं, आकाश को अपनी मुट्ठी में ग्रहण करना चाहते हैं। ततो अपी ततो से क्या लेंगे चेतनों में विज्ञानवादी भी अपी, विज्ञानवादी तो नए शशिकाल से अधिक साहसी है, और ये जो है विज्ञानवादी से भी और साहसी है, वो आकाश को भी अपने मुट्ठी में बंद करना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को भी निषेध करना चाहते हैं कि यह कितना सुंदर दर्शन है, अपने अस्तित्व को भी शून्य कहना चाहते हैं, ये तो नहीं हो सकता कभी। अब जो है इस प्रकार से हमारा 29 पूरा हो जाता है ना, नहीं अभी और है 28 पूरा हो गया, इसमें नंबर नहीं दिया हुआ, नहीं दिया 28 लिख दीजिए। अच्छा 29 यदि विज्ञानस्य बाह्य आलम्बनत्वं क्षणिकत्वं च न संभवति किं तर्हि तत्त्वम् एकरूपं भवति इति आशंक्याम् आह। अब जो है बौद्ध हमारे सारा इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होकर के सिद्धांत को पूछ रहे हैं, यदि हमारे सारे तत्व गलत है तो सच्चाई क्या है बोलो। बोलते हैं यदि विज्ञानस्य विज्ञानवादी पक्ष ठीक है, बाह्य आलम्बनत्वं है ना, विज्ञान बाहर आलोकन में नहीं है, और क्षणिकत्व से आलोक क्षणिक भी है, न संभवत ये होना संभव नहीं है, विज्ञान बाहरी आलोकन होना संभव नहीं है, तीन तरी तत्व तो पारमार्थिक तत्व क्या है बोलो। एक रूप भवता जो हमेशा एक रूप रहता है, ये कौन है, क्या हो सकता है ये, इति आशंक ऐसे शंका करने पर उसका उत्तर देते हैं कौन, गौर बाचार्य इसको उत्तर देते हैं। नंबर 14 एक टिप्पणी दिखाई दे रही है, में क्या बोलते हैं तत्व मतलब अबाधित वस्तु किम भवति इति प्रश्न, ठीक है ना, तो बताओ सारा वस्तु बाधित हो रहा है तो अबाधित तत्व कौन है, ठीक है ना, कौन, क्षणिक भी बाधित हो गया, बाहरी वस्तु भी बाधित हो गया, तो अबाधित तत्व कौन है, बाहरी वस्तु को भी निषेध कर दिया अपने ठीक है, विज्ञान को बुद्धि को भी निषेध कर दिया भी ठीक है, तो तात्विक वस्तु क्या है वो तो बताओ आप, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे अबाधित वस्तु किम भवति, अबाधित वस्तु क्या है वो पूछते हैं यहाँ पे, तत्व एक रूपम जो हमेशा एक रूप रहता है ना, जो हमेशा व्यभिचार नहीं करता एवं भवति इति आशंका आह, तब उत्तर दे रहे श्लोक में देखिए, अजातम जायते यस्मात् अजातम जायते यस्मात् अजाति प्रकृतिस्ततः अजाति प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावो प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति न कथञ्चित् भविष्यति अजातं जायते यस्मात् अजाति प्रकृतिस्ततः प्रकृतेरन्यथा भावो न कथञ्चित् भविष्यति। अजातम जायते यस्मात्, आपने क्या किया वो जन्म रहित तत्व प्रतिज्ञा किया, फिर बाद में क्या होता है उसकी पैदा भी होता है, तो अजातम मतलब जन्म शून्यम चित विज्ञानम है ना, जन्म से नहीं जो चेतन ज्ञान रूप है वो अजात है, और फिर आपने क्या किया वही जो है क्षण क्षण उत्पन्न होता है, अरे क्या विरुद्ध सिद्धांत है, अजातम जायते जायते मतलब जायमानते न बाधिभिर कल्पते, उत्पत्ति हो रहा है जैसा बाधि लोग विज्ञानवादी बोध कल्पना करते हैं, वो मात्र हमारे सिद्धांत में नहीं है, इसलिए बोलते हैं जायमानते न, वो अजय होते हुए भी जन्म हो रहा है रूप में वो मानते हैं, तो इसलिए बोलते हैं जायमानते न बाधिभिर कल्पते इति अर्थ यस्मात्, क्योंकि वो माना क्या कि ये अजय है, और फिर बाद में क्या कहता है वो अनेक रूप में पैदा होता है, ये शाकर वादियों ने भी यही माना, प्रकृति अजय है और फिर बाद में क्या कहता है प्रकृति अनेक रूप में उत्पन्न होता है, ये यस्मात् आप क्या हो गया उसका रियल नेचर क्या है वो अजय है, अभी प्रत्येक क्या बोलते हैं अजाति प्रकृति तथा, क्योंकि तुमने माना कि वो जन्म नहीं जाए, और जब उसका प्रकृति इट्स वेरी नेचर इज नॉट टू टेक बर्थ अथवा इट इज नॉट टू बी बॉर्न, जब यही जब सत्य है तो उसको फिर कैसे कहते हो कि वो जन्म लिया, क्यों हमने पहले बोल कर कहा प्रकृति अन्यथा भाव न कथित भविष्यति, जिसका जो प्रकृति है
देखिए भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण बोला सदृशम चेष्ट शास्त्र प्रकृति ज्ञानवान भी, ज्ञानवान व्यक्ति भी अपने प्रकृति के समान होकर चेष्टा करते रहते हैं। प्रकृति करना था हाँ क्या था ये स्वाभाविक ही संक्षिप्ति की सहज अपिता जा प्रकृति दिशा विज्ञाया स्वभाव अपना जहाती जा जो अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता बोलते नौ अथवा दसवां श्लोक होगा यहाँ पे है और भगवद गीता में जो तीसरा अध्याय में तीसवा श्लोक वहाँ पे है कि प्रकृति सदृशम तिष्ठते शास्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रहति कैश तीसरा अध्याय के तीसवा श्लोक होगा ये तो उसको जबरदस्ती करके क्या करोगे वो होगा नहीं प्रकृति परिवर्तन प्रकृति अन्नथा भाव ये बोला प्रकृति अन्नथा भाव न कथंचित भविष्यति तब तभी तो अर्जुन के मन में यदि ऐसे ही है तब तो कोई व्यक्ति मुक्त भी नहीं हो पाएगा क्योंकि तब अपूर्व प्रकृति को चल चलेगा तब भगवान एक रास्ता खोला बोलते ऐसी बात नहीं है एक रास्ता है इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थित तैरना वशमान अच्छे ठीक है प्रकृति है परंतु पुरुष काल में यहाँ पे जोर लगाओ क्या जोर लगाओगे कि प्रत्येक इंद्रियों को अपने अपने विषय के प्रति जन्मांतरीय संस्कार के कारण आसक्ति होती है प्रीति होती है उसके अधीन मत होता बस इतना काम तुम्हारी है इतना काम तुम्हारी है प्रत्येक इंद्रियों के अपने अपने विषय के प्रति जन्मांतरीय संस्कार से अच्छा बुरा भाव बैठे हुए हैं उसके अधीन मत हो जाते और नकसम तो ही अश्य परिवर्तन ये राग देश मुक्ति के लिए प्रतिबंध है तो यहाँ पे ये प्रकृति अन्यथा भाव न कथित भविष्य ये सिद्धांत यूनिवर्सल ट्रूथ है प्रकृति जो है वो बदलेगा नहीं वो क्या है तो क्या कर सकते हैं कि वो जो इंद्रिय की जो वृत्तियाँ अपने विषय के प्रति जाती हैं उसका अच्छा बुरा बोलते हैं उसकी अधीन मत हो जाओ वो अच्छा बुरा बोलता रहेगा इंद्रिय प्रकृति है तुम्हारा और तुम्हारा अधीन क्या है मैं उसका ये अच्छा है तो मैं उसको पकड़ूंगा ये बुरा है तो एक आम तुम मत करिए तुम्हारे ऊपर इतना हिस्सा तो इसीलिए यहाँ पे बोलते हैं प्रकृति अन्यथा भाव न कथित भविष्य किसी भी प्रकार से प्रकृति भिन्न हो जाए ये होना संभव नहीं है तो क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे ग्रंथकार आपने प्रतिज्ञा किया कि आपके मूल तत्व जो है जन्म रहित है और फिर आपने क्या बोल रहे हैं कि वो ही पैदा होता है इस रूप में तो आप उसका अन्यथा भाव कर दिया ये होना संभव नहीं है इसलिए देखो इतना वादियों का सिद्धांत को एक जगह पे ला करके क्या निष्कर्ष पहुंचा किसी भी वादियों के सिद्धांत के अनुसार जन्म होना संभव नहीं है हाँ जिसने क्योंकि तुमने जिसको मूल तत्व माना उसको अजर करके प्रतिज्ञा किया तो फिर उत्पत्ति कहाँ से होगी फिर उत्पत्ति कहाँ से होगी आप जैसे बोल रही हैं कि कर्म और कर्म के फल शरीर और ये बीज और अंकुर इसको अनादि बोलते क्या उत्तर दिया था उसने अरे भाई ये जब प्रत्येक अवयव की उत्पत्ति आपको दिखाई दे रहा है बीज की उत्पत्ति दिखाई दे रहा है अंकुर की अनंत कहां से होगा इसके इतना भी पीछे चले जाओ आदि मिलेगा आपको इसलिए ये हो नहीं सकता अब उत्पत्ति होना संभव नहीं है जो होता है अजातम एक नंबर दो नंबर तीन नंबर चार नंबर पांच नंबर लगातार टिप्पणी है अजातम जायते जस्मात अजाति प्रकृति तथा अजातम मतलब जन्म शून्यम चित विज्ञानम जायत मतलब जायमानत्वेन बाधि कल्पते इति अर्थ अजाति मतलब जन्माभाव का प्रतिज्ञा प्रकृति मतलब वस्तु तो स्वभाव उसका स्वभाव क्या है वो जन्म ही जन्म होना संभव नहीं है ततः तत्व मतलब अजातस्य एव जायमानत्वेन कल्पना जो आपने प्रतिज्ञा की अजय है फिर आपने क्या बोलता वही पैदा हो रहा है जैसे कल्पना किया ततः ये जो ये हो जाएगा आपका देखा तो ये समझना कि प्रकृति अन्यथा भाव होना कथन चित भविष्य जिसका जो प्रकृति है वो कभी होना संभव नहीं तो आप ये जो है तो संजन्म कैसे होता है बस विवर्तवाद ही आपको मानना पड़ेगा जिस प्रकार रज्जु के ऊपर सर्प पैदा हुआ रज्जु को सर्प कैसे पैदा होता है बस केवल कल्पना से पैदा है पूरा सृष्टि उसे कल्पना है पूरा सृष्टि उसे कल्पना है हम एक कल्पना को पर दूसरा कल्पना करते जाते हैं कैसे जैसे सर्प कल्पना किया मेरे को कांटे का है नहीं वहां पे आपने कल्पना कर लिया फिर क्या करेगा भागू भाग शुरू किया
अब डर मन में बैठा हुआ, जल्दी से भागने के कई ठोकर खाया, गिरा, एक चोट लगा और कितना प्रारब्ध बनता जाना है, कितना प्रारब्ध बनता जाना है। एक छोटा सा गलती से क्या है, वहाँ पे ठीक से नहीं देखा, ठीक ऐसे यहाँ भी हो रहा है, वास्तविक मैं कौन हूँ ये ठीक से नहीं सोचता हूँ। फलता क्या हो गया, मैं मनुष्य हूँ, मैं संन्यास हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एक के बाद एक जो मंजिल चढ़ता जाता है। जिसलिए आप बोलते हैं कि तथा, इसलिए तथा मतलब क्या हो गया कि अजात से व जायमान तेन कल्पना देश होगा, कल्पना करने के फलस्वरूप आकर्षित, मतलब सृष्टि होना संभव ही नहीं है परमार्थ, क्यों प्रकृति का अन्यथा भाव कभी होना संभव नहीं है। अब देखिए टीका में बोलते हैं तस्य प्रकृति अन्यथातम पुरस्तादेव निरस्तम, उस प्रकृति का अन्न भाव हो जाना ये संभव नहीं है, ये हमने पहले कथन करके आया, प्रकृति अन्न था भाव न कथित भविष्यति। प्रकृति क्या है, स्वाभाविक सांसिप्ति की सहज अकृता चा प्रकृति सा इति विज्ञेय स्वभाव न जहाति जा, ठीक नहीं क्या था, नौवां या दसवां होगा, नहीं ना, नहीं ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलते हैं ये पहले हमने खंडन करके आया, निवस्तम प्रकृति अन्यथा भाव न कथित भविष्य। अब भगवान भाष्यकार श्लोक से तात्पर्य आह, श्लोक की तात्पर्य जब कहते हैं उक्त ही हेतु भी सांख्यवादी से लेकर के विज्ञानवादी शून्यवादी तक जितना जितना रीजनिंग दिया गया कि जो भी आपने जगत के मूल तत्व के रूप में माना उससे उत्पत्ति होना संभव नहीं है, इस उक्त कहे गए कारण हेतुओं के द्वारा कहे गए युक्ते हेतु भी अजम एकम ब्रह्म सिद्धम, जन्म रहित एक व्यापक तत्व पारमार्थिक है, ये सिद्ध होता है ना, सिद्धम मतलब विनिश्चितम विशेष रूप में निश्चय हो जाता है। जब पुनरादो प्रतिज्ञातम, इस काल अलग शांति प्रकरण के शुरू में क्या प्रतिज्ञा किए थे, अतो वक्षाम कर्पण्यम अजातिम समतांगतम है ना, जता ना जाए थे किंतु जाय मान समत, ये पहले बोल एक एक नंबर से बताओ, तीसरा नंबर जो होगा शायद तीसरा नंबर पे देखो, पहले तो प्रणाम किए थे अथवा कक्षा में अकार पाना प्रतीक थे वो तीसरा अध्याय अद्वैत प्रकरण शुरू में देखो, शुरू में अद्वैत प्रकरण शुरू में अथवा कक्षा में अकार पाना नंबर पेज नंबर 128 हां, वन क्या है वो, अतो वक्षाम्यो कारणम अजम जाति समतांगतम, अजातिम समतांगतम यथा जायते किंचित जायमान समंतत, बिल्कुल ये कितना नंबर श्लोक है, 2 ये तृतीय ना, अद्वैत मत का तृतीय है ना, 3/2 हां 3/2 यत प्रतिज्ञातम, ये जो प्रतिज्ञा था उनको ऊपर एक 9 नंबर टिप्पणी दिखाई दे रही है, 9 नंबर टिप्पणी बोलते हैं अतो वक्ष में अकार पन्नम वाक्य ना, ये है आपका 3/2 ये नंबर लिखा रहने से हमको श्लोक की याद है ना, इसलिए मैं नंबर नहीं लिखा था, 3/2 माने कौन कहाँ पर लिखेंगे, ये जो लिखे ना 9 नंबर टिप्पणी नहीं है, अतो वक्ष में अकार पन्नम इति वाक्य ना, ये वाक्य कहाँ पर आया आपको, 3/2 वाक्य है ना, ये इसी का मतलब अलग से आपका अद्वैत प्रकरण के द्वितीय अंक 3/2 ठीक है ना, मेरा पुस्तक में पेज 128 पेज में लिख के रखे सुविधा है ना, तो आराम से आप रेफरेंस आ जाएगा आपको। अतो वक्ष में आकार पन्न मिति वाक्य ने समूह में सभी बोलेंगे अभी, हाँ वो तीसरा अध्याय में बोल करके आए थे, वो अभी खत्म कर रहे हैं, अभी खत्म नहीं, अभी तो अभी और चल रहा है। तो अब यहाँ पे बोलते हैं जब प्रतिज्ञातम मतलब अतो वक्ष में आकार पन्न मिति वाक्य ना तत्फल उपसंहार, अब यहाँ उसका उपसंहार उसके फल को अब यहाँ को उपसंहार कर, उपसंहार अर्थ अयम श्लोक को उसको उपसंहार करने के लिए ये श्लोक आया है 10 नंबर टिप्पणी में, तस्व उक्त निश्चयस्य फलम, जब आपने कहा था अकृपणता को कहूँगा क्या कह, अकृपणता है जथा न जायते किंचित जायमान समन्तत, मतलब अकृपणता ही है सामने वस्तु दिखाई देने पर भी निश्चय रहता है, क्या निश्चय रहता है कि उत्पत्ति नहीं है, प्रतीति मात्र है, स्वप्न में दिखाई देता है। ये बोलते हैं यहाँ पे कि तद इति तस्य उक्त निश्चयस्य फलम, इस प्रकार का कथन के उस निश्चय का फल क्या है, पुनर् असंभावनादि, मन फल क्या हो जाएगा, फिर आपके मन में विपरीत भावना असंभावना ये नहीं रहेगा,
ठीक है ना, ये फल है उसका। इतने हेतु के द्वारा जो आप कह दिया कि उत्पत्ति होना संभव नहीं है, तो अभी मन में जो शंका होती है कि क्यों इतना सुंदर दिखाई दे रहा है, सृष्टि भगवान सबको बनाते हैं, वो कैसे नहीं हो सकते, वो भावना मन में उठेगा ही नहीं। नहीं, शास्त्र नहीं दिखाया, वो तो एक कल्पना मनमाइक है, वो पारमार्थिक नहीं। इसलिए पता संशय विपरीत भावना रहित होकर के निश्चय हो जाएगा। इसलिए बोलता है तस्य उक्त निश्चय से फल। इस प्रकार अनेक वादियों के द्वारा जो सृष्टि की कथन की गई है उसमें यथार्थता नहीं है दिखाने का फलस्वरूप क्या हो गया, सृष्टि होना संभव ही नहीं। इसलिए बोलते हैं पुनः असंभावना भी विपरीत, असंभावना विपरीत भावना है ना, नहीं नहीं ये कथन सही नहीं, हमको तो सामने दिखाई दे रहा है। दूसरे बात ही बोलते हैं भगवान ने इतना सुंदर सृष्टि को बनाया तो उसको कैसे मिथ्या बोल दूं, ये जो है ना ये भावना नहीं उठेगा फिर मन में। वो तो केवल मात्र भगवान अपनी महिमा को, अपनी यथार्थ तो महिमा को, स्वरूप को समझाने के लिए सृष्टि की कल्पना करके अपने आप देख रहे हैं। आपने वहाँ पे अहंकार से अपने को परिच्छिन्न करके भगवान की सृष्टि का मजा लेना चाहते हैं तो बंधन में फंस जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं। ये असल अभिप्राय अभिप्राय करते हैं पुनः असंभावनादि निवृत्ति रूप में निश्चय हो जाता है। अच्छा, तो तत्फलोपसंगार्थ अयम श्लोक, ये श्लोक हाँ अभी अपने यही पर रखते हैं, कर देते आज कौन सा होगा पहला वाला, लास्ट का पहला वाला होगा आज पहला ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवपादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः।